बेगम में खुशखबरी है, खाली धागे है रुखसाना को लेने, अब छूटेगी चुड़ैल से जान, तब मैं खिलाऊंगा तुम्हें एक पान। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी, इस चुड़ैल ने बिल्कुल हमारा कर दिया था जीना हराम, अब जाकर मिलेगा हमको आराम। अम्मी अब्बा आए, बाहर बैठे। ये नासपीटा पीछा थोड़ी छोड़ेगा, मुझे तो पता ही पीहर में भी चैन से न रहने दे। बे मैं ना भेज पाऊंगा बे। देख लो चाचा जान, तुम करो बावली बातों को ना करते हो, किस घर में लड़ाई झगड़े ना होते हैं चाचा जान, सबके ना होते हैं। बे तुझसे बड़ा जल्लाद नहीं है कोई भी। अच्छा चाचा जान, तुम्हें जल्लाद दिख रहा हूँ मैं? तुम एक बात बतलाओ मुझे चाचा जान, तुम और चाची जान किस लिए छोड़ कर चली गई है? बे उसने जीना हराम कर दिया मेरा। बे तो चाचा जान यही लगा लो तुम, इसने जो मेरा भी जीना हराम कर रखा। पर देखो चाचा मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, फिर भी इसको लेने आ गया हूँ यहाँ पे। बे तुम उससे भी ज्यादा तकलीफ में, ले जा तू, ले जा। आओ तो कहो इससे चलो, समझाओ इसको जरा। अरे रुखसाना बेटी चली जा। चाचा जाके क्या करूँ मैं, घर में एक पैसा ना, शाहरुख की फीस भी ना गई है। भाई रुखसाना बेगम इस तरह नाराज मत हो तुम, अब की दफा चली चलो, बस सब इंतजाम कर दूंगा। चली जा अब की दफा, और चली जा। जो हुई है जल्दी से तैयार हुई है, पहनिया बुरखा है, और शाहरुख का हाथ झोला भेज दे फटाफट, अब खड़ी देख रही गलती क्यों ना। शाहरुख बेटे झोला लिया जरा, एक झोला पकड़ा दे मुझे। चाचा जान मैं ये कह रहा, ससुर साहब की कैसे रही, जेल हो गई है, जमानत वमानत मिल रही है कुछ? मैं मुझे क्या पता, यहाँ अपनी जमानत जब्त हो रही है। ना तो चाचा जान कोई परेशानी ना, रहने दो ना जेल में, यहाँ भी जो आके भी खोदे बुड्ढा करे क्या। अब मैं ये कह रहा चलूंगा मैं कुछ विदाई विदाई में, है कुछ मामला ना? यहाँ का कुछ रखा है। अबू लो झोला। बस तो हमारा झोला आ गया चाचा जान, अब तुम कुर्सी का जो है ना इसको घुमा लो, इधर को कर लो। हाँ मुंह फेर लो, इधर को देखना ना तुम, इधर उठा बे, उठा भाई ये सामान को ले, ये बिल्ले हैं तेरे खाता रही हो घर पे है ना। गल्ले को बुड्ढा पहले ही साफ कर गा, कहाँ छिपा का पता ना है। चाचा जान कर लो इधर को, करो अपना काम को करो, तुम्हें चल रहा हूं मैं। सांझ को रोटी को कह दी ना तो मौसु बुरी ना कोई भी। बुरी कहा, बुरी तो तू है ही वैसे भी। ए बाबा थारे हिसाब से तो सब बुरे हैं, मैं स्कूल ना जाऊं तो मैं बुरा, माँ कुछ कह दे तो माँ बुरी, बस तुम ही अच्छे बैठे हो यहाँ। हाँ हम तो है ही अच्छे और कहा। हाँ बाबा तुम अच्छे और हम बुरे हैं, मैं भी बुरा हूँ माँ भी बुरी है, पर तुम कृपा करके मेरे स्कूल की फीस दे दो, और वो माँ की साड़ी पर ड्राई क्लीन हुई है, वह साड़ी लाने को पैसा दे दो। मो अपने आप खाओ, अपने आप कमाओ, ड्यूटी कर लग फतेरा लंबा चौड़ा उठ सो हो रहा, पड़ो रहे घर में जाई, अपना आप कमा अपना आप खर्च कर। ए बाबा मैंने तुमसे सौ बेर कह दी, पहले मेरा ब्याह करवाओ, जब करूंगा मैं ड्यूटी पूटी। रुक जा तो को मैं लाऊंगा दुल्हनिया। जानो परे को अब ये चप्पल कौन ठाक देगा मेरी है। ए उत्ते कर जोले नौकरी, सही कह रहे तेरे बाबा, भतेरा लंबा ऊंट हो रहा अब तो तू। थोड़ी बोल ले बस, तुम पे यही काम आवे हैं, कई के बालक का नजर लगा देख रो बस, नकूट हो रहा हो रहा तो पता भी मेरे बाबा क्यों जोर दे रहे हैं मेरी नौकरी करवाने को। भैया विजयपाल हमारे तो इतने दिक्कत परेशानी रहेगी, इतने हमारे पोते अमन की ड्यूटी न लग जाएगी। अरे फिर ड्यूटी लग जाइयो, 51 जोड़ी तो धोती, 51 जोड़ी कुर्ता, और
51 जोड़ी कच्छा बनवा और फिर आजमाऊंगा मैं अपना हाथ नेतागिरी में, निसड़ को हो जाऊंगा फिर। अब बता तू, अरे तेरे बाबा तो बहुत आगे को दिमाग लगा रहा है। तेरी मेरा बाबा तो बाबा, मेरी तो माँ भी जो आगे तक को छेता रखे। बीबी रुखसाना, मेरे पोते अमन की जो ने फिर ड्यूटी लग जाइयो, 2 तोले सोने का तो बनवाऊंगी हार और 10 तोले चांदी की एक पजेब। ओहो, तेरी तो माँ भी बुढ़ापे में पजेब पहरेगी। अब तू ही बता, है इनके ढंग नौकरी करवाने के? अगर रुचि में नौकरी लग भी गया ना तो घर में बैठे खाएंगे। अब तो तन मन हाथ पांव हला लें, काम कर लें घर को, फिर नौकरें कतई भी। मैंने तो हमारा पूरा पिलोन बना रखो, पहले तो करवाऊंगा ब्याह, बाद में करूंगा नौकरी। अरे कम से कम ब्याह हो जाएगा तो गौर तो रखेगी, लेन देन किंग कहा कैसे कैसे जा रहा भाई। चचा श्यामलाल ये लगा लो, जिंदगी इतनी जिल्लत भरी हो गई है ना चचा, कुछ भी रास्ता दिखाई ना दे रहा। भैया खालिद, जब ब्याह हो जाए ना तो जो रास्ता खुले हुए हो मैं वे भी ऑटोमेटिक अपना बंद हो जाए। तो चाचा इनका मतलब तो ये, फिर हम उन्हें कुछ करा ही ना आज तक। अब करने की सुन लें यू को, हमारा हैगा 24-25 साल का हो रहा बेजार, ड्यूटी को कहवे तो ब्याह की अटका। पहले दुनिया के बालक देखें, पहले तो न्यू कह में कि हम तो अपने पावन पे खड़े होंगे, ड्यूटी पूटी लगेंगे बढ़िया, और जब ब्याह करेंगे यह कह में तो उल्टे चले, ब्याह करना पहले। मतलब चाचा ये तो वही मामला बनना, उनके पहले छोकरी बाद में नौकरी। हम भाई यार कौन धंधा कुछ करना रहे है, तो ऐसे इन बेरोजगार इनके अपनी लौंडिया कुंड ब्याह देगो। ना चाचा देखो गलत है, ये वाली सोच तुम्हारे पोते मन की बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे गलत बात है। पर चाचा कुछ बातें जो ऐसी होती है, परवरिश का भी प्रभाव रहता। थोड़ा बोल ले थोड़ा, अन्नी मेरे मुंह तो जो ना कुछ अच्छी बुरी निकल जाएगी। इस बात को छोड़ो चाचा, तुम कुछ पैसों का इंतजाम करवाओ। ईमान से बहुत मुश्किल से मना के लाया हूँ रुखसाना को, बहुत जरूरत पड़ रही है, कुछ पैसों का करवाओ चाचा। तू भावड़ा था ना, हमारे घर में भी तो पैसा के चक्कर में ही फंसी तो हो रहा है। अब तुम यू बताई मेरी कोई उम्र है मेहनत मजदूरी करने की? इनको कहां से दौलत लूट कर ला दूं मैं, है कौन सा बैंक में डकैती घेरूं? चाचा गलत है बात तुम्हारी, अल्फाज भी जबान पे ना लाना चाचा, ऐसे ख्याल भी दिमाग में मत लिए हो चाचा तुम। ए चाचा ऐसे कामों में लानत है ऐसे काम करने, हैं? ए चाचा इससे तो भूखा मरना मंजूर है चाचा, किसी की दौलत पर नहीं इतना टिकानी चाहिए चाचा, गलत है तुम्हारी सोच ना। अरे रुक जा चाचा के भतीजे, रुक जा चाचा ही चाचा हो रही है, हमारे संस्कार ना ऐसे, काहे की लाख माया पड़ी सही सामने, मट्टी है हमको। चाचा सोमलाल काहे की मीटिंग चल रही आज? मीटिंग कहा भैया प्रकाश, गर्मी पड़ रही है, जंगल में हवा खाने को आगे वैसे ही। चाचा सोमलाल गर्मी तो बहुत पड़ रही है, ठीक है करो आराम। बे भैया प्रकाश इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों बावला हो रहा तू? बुखार होगा ना तो पड़ा रहेगा मुंह को फाड़ के। अरे भैया खालिद कमाने के बगैर काम ना चले, गुजारो कैसे होएगा ना कमाएंगे तो, काम तो करना ही पड़ेगा। खालिद काहे को मुंड मारे के रहे तू यहाँ से, कर्जा हो रहा दुनिया भर को, कमाएगा ना तो कहते पूर्ति पड़ेगी, बेकार है कथई। चाचा सुनने में तो मेरे में भी यही आ रहा है, ब्याज वाले मामले में जो हिलगा पहिया, अब ना इसके दोहरे कुछ भी, सुना मैंने भी यही आ, यही चल रहा माहौल। ये मांगे का लांडा क्या लेने आया आ इस पे? ताऊ तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें घर ढूंढने गयो, ले पापा ने थारे पैसा भिजवाए, ले यहाँ में 4,000 रुपये तुम्हारे मूल के हैं और 1,000 रुपया तुम्हारे ब्याज को है, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है जी, राम राम। चले तो भैया खालिद, कुछ काम हिलो देखेंगे, थाली बैठे सुखा पूर्ति पड़े। ना ना चाचा इकलो, मैं भी बकरियों को डिलाने ले जाऊंगा, इकलो तुम।
बेटे शाहरुख तू मेरी बात को समझ, तेरे स्कूल की फीस भी कल जाएगी और तेरे लिए जो उन्हें एक नया झोला भी ले आऊंगा, तू उसी में अपनी किताबों को रख कर चलियो फिर, है ना। ए बाबा सच बताओ, स्कूल की फीस भी भर दोगे और मोको नया बैग भी ले आओगे? और कम मत होता झूठ बोल लो। अबू पर तीसी तो पता ना लग जा। भाई देख ले शाहरुख, तू करे बाबली बात को ना करता। भाई बाबली बात करने को तो तेरी अम्मी बहुत हैगी है, भाई किसी को भी मालूम ना होने का। अब जल्दी से चल तू मेरे साथ, कभी भैया प्रकाश निकल आवे वहां से। अब भाई भगलो आ गई आ गए, बड़े छोटे की शर्म लिहाज ना हो रही कतई भी है। अभी जिंदा हूँ मैं, अभी इनता जी का घेर रहा हमारी योग में जा, हम जाएंगे आगे को। मैं आई ना रहो, मैं ना आ रहा, अब जाओ तुम अपने आप। मत जाता, बैठो रहे यहीं, नजर राखी और। तू नहीं पे रहना है ना, मैं देखता हूँ आगे मामले को, जब मैं तुझे इशारा करूंगा तभी कल का आगे बढ़ियो, इतना नहीं छिपके रहे तू। बहन हाँ तो चाचा श्यामलाल भी पहले से ही मामले को बनाए पड़ा। अब्बू तुम तो धैर्य थी तो मालूम ना। मैं भैया ही ना हो तो मालूम ही ना, पता ही पहले से ही। अब्बू ही नहीं तैसे पता ही। मैं तो बहस बहुत निकाले है ना, बहस बहुत करे आगे बढ़ के। मैं वीडियो आएगी अमन भाटी चैनल पे, वहां देख लियो कैसे कैसे मालूम ही ना हो। कहा दी गोबा बता मैं, ये कहां तक फूकी आया? कौन है? खालिद है। भाई चाचा श्यामलाल बना रहे हो मामले को है, 5,000 ने नियत डिगा दी तुम्हारी भी। आता तो लिकड़िया बहारे को कर लो गठबंधन। हाँ तो कर लो गठबंधन, कर लो, क्या परेशानी, आ जाओ। अब देख ले चाचा, फिर तुम चुप बैठे हो, बतलाओ ना क्या पिला आना, बतलाते क्यों ना हो। लोन को मैं कोई तेरा इंजीनियर लग रहा हूँ, जो तेरा हर मेरा नक्शा पास करूंगा। बाबा देखो, बड़ा मुंह छोटी बात है, बुरा ना मानो तो तुम एक आइडिया तो मेरे धो रहेगा। मैं जिनावर पहले अपनी इस कहावत को सही कर, तू बड़ा मुंह छोटी बात ना रहती है, छोटा मुंह बड़ी बात होता। चाचा ऐसा मेरा तो यू ही है, मेरा तो बड़ा मुंह है और बात है छोटी सी, सुनना हो तो ठीक है, नहीं तुम अपना आइडिया बना लो फिर। अरे तू हमें बता, या को तो दिमाग खराब है, खुद में दिमाग नो और कोई और बता तो वहां में टोंगड़ा वे। अरे खालिद फिल्म तो बहुत जोर को, 40 रुपया खर्च होंगे बस। चाचा मुझे तुम प्लान मत बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या बन रहा दादा पोते का, मुझे तो बस इतना बताओ मुझे क्या करना। यू बढ़िया सवाल बुझो या मैं, तो कुछ नहीं करना, तो बस इतना करना है, तो कुछ नहीं करना। कोई परेशानी ना चाचा, करखाओ काम को, मैं नजर रखूंगा चारों तरफ। बाबा नहीं ये तेरा मेरा अबू आए इधर तू। अरे बेटा खालिद कहा तू? हाँ आए तो है, देखे तो ये बैठे हुए, पता ना चले गए कहाँ। बाबा तुम पे नंबर वंबर है ना? बेटा मुँह पे नंबर ना उनका। बाबा चाहे बतलाओ क्या पहन रहा था मेरे अब्बू ने। बस दोनों बाप बेटा एक से जैसा खालिद है ऐसा ही बेटा, बस साड़ी बहुत रागी तेरे बाप ने। तुम कहा ले रहे हो के? चलो घर को, तुम्हें तुम्हारा इनाम घर मिल जाएगा, आ रहा हूँ चलो। ठीक है बाबा, आ भी दोस्त।
चाचा मैं तो यही कह रहा हूँ, ये जो रास्ता गांव समाज का ही कल्ला ना से कोई ना कोई इकलता बढ़ता टोकेगा ही नजर मारेगा पैसों पे। हरबीर का लाख इकल्ला इस पर पूरी धूल रैन उठ के मेरी तरफ आ रही है। चाचा तुम कहते हो तो खाट को जो इस ट्यूबवेल के पीछे ना डाल ले। भाई सही कह रहा हो खालिद, पैसा ना कोई मांग बैठेगा, चल पराई बिछाएंगे। चाचा यार मेरे दिमाग में से फिर इसकी गिनती कल गई। तो भाई तू नंदा न्यू बता गिन काहे को रहे हो, न्यू आधे आधे कर दे ना बोट दे न्यू। ये सही बतलाई है चाचा तुमने, दो जरा। ना पे निगाह रखनी है चाचा तुम हो है, एक मेरा एक तुम्हारा, दो चाचा मेरे दो चाचा तुम्हारे, तीन चाचा मेरे, ये बचे हुए बड़ा दिल है मेरा सारे तुम्हारे चाचा। अब भाई ये बराबर है दोनों। अब चाचा किसी और के सामने ना पा मैंने नाप तोल करके बराबर कर दिया बिल्कुल चाचा। बराबर है तो यहीं धर एक मिनट यहीं धर, बराबर है दोनों तो ये तो तेरे और ये मेरे। चाचा ये क्या जिला पर पंक्ति चल रही है, मतलब तुम भरोसा ना मुझ पे, पंच पंचायत करवाओगे इतने से बंटवारे के लिए भी तुम, ऐसा ना होने के इधर को दे ना तुम, होने का ना रिला दिया मैंने, मैं बुलाए दे रहा हूँ दीवान जी को, बुलाए दे रहा हूँ पिछहत्तर सिंह दरोगे साहब को। बुला ला साहब बुला, ऐसे थोड़ी मानोगे, तुम्हें बेईमान दिख रहे हैं हम। ए दरोगा जी नमस्कार, क्या हाल है तुम्हारे। मैं ये कह रहा दरोगा जी एक छोटा सा मामला फंसगा मेरा और चाचा श्यामलाल का बंटवारे को लेके। हाँ जरा इस बंटवारे को कर जाइयो ईमान से आ जाइयो, चाचा श्यामलाल वाले टुभैल पे बैठे हैं, जरा आ जाओ इधर को यहाँ। आए जा रहा दीवान जी, आए जा रहा भी बंटवा देगा। स्वागत तो करो हमारा। चाचा यार एक बात ना देखिए तुमने, गांधी जी जो नोट पे बैठे हैं ये हैं, मुस्कुराते रहे हरदम खुशी रहती है इनों के चेहरे पे। भैया खालिद गलती इनकी भी ना है, जब दिन रात नोटन में लौटेंगे तो अपना आप हंसी आई जाएगी, मुस्कुराहट तो बनी रहेगी अपने आप ही। अभी खालिद बता क्या बात है। दीवान जी आइए, दीवान जी बैठो ना। हाँ दीवान जी तुम कॉन्स्टेबल साहब तुम उधर आ जाओ ना। हाँ बस दीवान जी कहोगे तो तुम यही कि खालिद तू बाबली बातें करे, छोटा सा चाचा का और मेरा हिसाब, पढ़े लिखे तो दोनों है ही ना हम कुश्तीबल साहब, अब ये जो पैसे ही नौका बंटवारा करना है तुम्हें हो दीवान जी, इतनी मेहरबानी कर दो यार, मैं इतनी परेशानी। ले भी चौहत्तर सिंह हाथ लिखा आड़िए नाम है, कितने हैं? ठीक है सर। चाचा नजर रखियो भी इधर को है ना। सर ये तो दस है, यानी कि 5,000। ठीक है भाई, अब एक काम कर, इनामे तो 2,000 तो दे दे चाचा ने और 2,000 दे दे खालिद ने, बाकी जो एक बचे उन्हें ही रहने दे। ठीक है सर। लीजिए सर। ठीक है चाचा बंटवारा। अरे दीवान जी बंटवारा कुछ समझ में ना आया हमारी, मतलब कैसे कैसे 1,000 तुमने कैसे। अरे चाचा जी यानी का तेल वेल नहीं फूकता क्या? ये 1,000 आपको प्रॉब्लम दे रहे थे हमने रख लिए, उसमें क्या दिक्कत है? सही हुआ ना? अरे खुश रहो यार। खुश रह जा रहा कुछ टेबल साहब, इतनी महंगाई है बढ़ गई ठंडक तुम, पहले मैंने ठीक बंटवारा कर लिया नुका ना ऐसे ना मानने का, अब क्या कहूँ, महीनों के सामने मैं कुछ बोल पाता ही ना हूँ, सम्मानित आदमी इन्हों से क्या कहना, हाथ निकाल लो तुम भी, बाद में कोई गिनती में उलझन होती फिर हाथ निकाल लो। ठंडक कहाँ पड़ती, हमारा तो बालक का हिस्सा और मर गो। दरोगा जी आज तो बहुत नोट गिने जा रहे हैं।
अरे बहन देख रहे हो भैया प्रकाश है रो, ये सारे कर्म जो ना तुम्हारे ही है। ये काहे को दीवान जी हिरान होते नहीं तो, जब वो मोंगे को लौंडा जो पैसा दे के गयो हो 5,000 रुपया दे गयो हो, 1,000 रुपया ब्याज के है, तुमने या तो 2,000 रुपया करते ब्याज के, जो हमारे भरबोटे में जो परेशानी बनती। दरोगा जी ये तो मेरे नोट हैं, चुरा के लाए ये, मेरी जेब में काट के लिया है वसु। हाँ भाई 74 मामला आवा है समझ में, ये तो चोरी के पैसे हैं। ला भी बुढ़े पैसे इधर दे, ला भी खालिद तू भी लिकाट दे, जल्दी दे रहने। इन चोरिया के पैसे में हमें भी शामिल करे है, शर्म कोनी आवे। ले भी चाचा प्रकाश अपने पिस्से ले। बड़ी मेहरबानी दरोगा जी आपकी, बड़ी मेहरबानी। और आप चल लो, मैं देखूं इन्होंने। ठीक है। हाँ भी 74 तैयार हो ले, इस बुड्ढे ने तो बोच ले। हाँ भी खालिद अब बता। भाई दिवान जी गलत है, देखो तुम्हें फोन करके किसने बुलाया, मैंने बुलवाया है, और तुम सुन रहे हो भैया प्रकाश की बात, किसी की मेहनत मजदूरी पे ऐसा तुम अड़ंगा ना लगाने को दरोगा जी, मजदूरी ना देख रहे हो हमारी कितनी मजबूरी है। मजबूरी है तेरी, क्या मजबूरी है दरोगा जी, ऐसा ही ना छापा मारा है, ये हमने सुबह से प्लानिंग करी है, इसमें जब जाकर मामला बना। दादा मैं ही बोलूंगा, तुम तो कुछ बोल ही ना रहे हो यार। चल भाई 74 इन्होंने अंदर डाल। अब दिभा जी एक मिनट सांस तो ले लें, दो ना एक बार गले मिल लें तो अंतिम विदाई है ना, आखिर समझो चाचा। मंगल बेटे ऐसा ऐसे फिल्टर बना दे इस कैमरे में, देखने वालों को ऐसे लगे जाने कोई एक्टर बैठा है ना, कर दे चालू कर तू। अब तू मुझे ये बता, तेरी तरफ देखना सामने देखना, पहले तू वहाँ खड़ा आया, अब ना ले आया इस कैमरे को, फिल्टर विल्टर लग गया ना लग गया जिनाबर, कभी ऐसे ही मुरे बुरा सा ही दिखा दे तू, फिल्टर लग गया जा। तो भाई तुमसे जो मेरी इतनी सी गुजारिश है, अगर तुम्हारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और शेयर तो जो इतना कर दो सबकी तरफ को शेयर कर दो, रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, परिवार वालों में, सबों में भेजो इसको। और भैया चैनल को जो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का जो बटन रहता वो इधर को ना रहता, नीचे की तरफ लिखा रहता लाल 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 शब्दों में, अब तो काले में भी आ रहा, अभी मंगल है ना, काले में भी आ रहा, तो तुम्हारे फोन में जैसा भी आ रहा हो उस पर दबाना तुम, और घंटा जो उस पर ALL करके आता हो उस पर दबा देना, और संटेग्राम पे मुझे फॉलो करना, इतना सही तो काम है यार, क्या परेशानी है ना, प्यार दो अपना ईमान से, तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। मैं मलूक आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ जिनाबर, बस तो एक दो फोटो निकाल दे, हाँ ये वाला ले, बदलो ये वाला ही काल, फोटो को भी लाइक करिए तुम, वो अच्छा लगे तो संटेग्राम पे डालूंगा इन फोटुओं को।